नमस्ते, टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी के हिंदी विषय को और पाठ का नाम है खेल और सेहत। यह पाठ पाँच आपकी पुस्तक में 28 नंबर पेज पर दिया गया है, तो पृष्ठ संख्या 28 आप अपनी पुस्तक में एक बार खोलिए और पाठ पाँच को हम प्रारंभ करेंगे। पाठ पाँच को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे आपके सामने एक तस्वीर प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, जिसमें आप देखेंगे इस बच्चे को जो सदा ही या तो दिन भर मोबाइल देखते रहेगा, कुछ ना कुछ गेम्स खेलते रहेगा, या फिर यह बच्चा अक्सर टीवी की रिमोट को पकड़ कर के अपने बहुत लंबा समय लगातार टीवी के अनेकों अनेक प्रोग्राम देखता ही रहेगा। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और बच्चे की तस्वीर दिखाऊंगी जो मैदान में खेलता है, योगा करता है, यह बच्चा सैर करता है और शारीरिक क्रियाएं करता है। टीवी तो देखता है लेकिन थोड़ा कम। तो अब आप मुझे बताइए, ज़्यादातर कौन से बच्चे को आप स्वस्थ कहेंगे? कौन सा बच्चा शारीरिक रूप से ज़्यादा सेहतमंद और ताकतवर होगा? आप खुद बताइए, वो बच्चा जो दिन भर टीवी देखते रहता है या दूसरा बच्चा जो हॉकी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, दौड़ लगाता है, साइकिल चलाता है या फिर अन्य बच्चों के साथ मिलजुल करके योगा करता है? कौन सा बच्चा ऐसा स्वस्थ होगा, आप बताइए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को, पाठ नंबर 5 खेल और सेहत। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ को अपने शुरू करते हैं। पाठ का नाम है खेल और सेहत। यह एक स्वास्थ्य पर आधारित लेख है। भला कौन बच्चा होगा जिसका मन खेलने के लिए मचलता ना हो, यानी खेलने का उत्सुकता ना होती हो? ऐसा कोई बच्चा है? हर बच्चे को खेलना अच्छा लगता है। खेलने का आनंद इसीलिए अनोखा है, इसीलिए सबसे अलग है, क्योंकि कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट हो, कोई भी तरह तरह के खेल होते हैं, कोई भी खेल हो, वे हमारे मनोरंजन के साथ साथ मन को तरोताज़ा एवं शरीर में फुर्ती और उल्लास भर देते हैं। तो खेल हमें हमारा मनोरंजन भी करते हैं, हमारे दिल को भी बहलाते हैं, हमें तरोताज़ा भी रखते हैं, हमको फ्रेश भी रखते हैं, एकदम हरा भरा रखते हैं, और इससे शरीर में फुर्ती यानी चुस्ती भी आती है। हम कोई आलसी नहीं बनते हैं और ये हमारे उल्लास माने उमंग भर देते हैं हमारे मन में, हमको खुश कर देते हैं। खेल खेलने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। जो लोग खेल खेलते हैं वो हेल्दी रहते हैं, उनका स्वास्थ्य सही रहता है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। एक बात और बच्चों, ये पाठ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और इस समय आप लोग अपने घरों में हैं। आप घर में हैं तो मुझे मालूम है कि आप थोड़ा बाहर भी कम ही निकलते होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चों को माता पिता मना भी करते हों बाहर पार्क में जाने से, वो सिर्फ और सिर्फ COVID-19 से बचने के लिए, है ना? लेकिन इसी समय में ये पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ये समझिए कि इस पाठ से हमें एक बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा संदेश मिलने वाला है, अपने समय को हमें किस प्रकार से बिताना है इस मुश्किल की घड़ी में, जो ये समय आया जिसमें हम ना विद्यालय जा सकते हैं ना कुछ कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, ये हम इस पाठ से सीखेंगे। आगे पढ़ते हैं। अपने आसपास के मैदान में किसी को खेलते हुए देखकर हमारा मन भी खेलने के लिए मचलने लगता है। जब भी हम किसी को खेलते देखते हैं तो हमारा भी मन करता है, अरे हम भी खेलने जाएं, ऐसे मन करता है ना, काश हम भी ऐसे खेलें। तो आगे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे पूरे दिन टीवी, कंप्यूटर
मोबाइल फोन आदि के सामने बैठकर अपने समय और सेहत को खराब करते हैं। मैंने बोला था ना ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस समय में, तो देखो अब ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे पूरे दिन टीवी, सुबह उठते ही वो लोग क्या शुरू कर देते हैं, कार्टून लगाना या टीवी देखते ही रहते, कंप्यूटर्स लगातार कई घंटे तक काम करते रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे या मोबाइल पे तरह तरह की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोई गेम खेलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे आदि के सामने बैठकर अपना ना केवल वो समय को खराब करते हैं बल्कि अपनी सेहत को भी खराब करते हैं। टीवी देखना बुरी बात नहीं है, टीवी कंप्यूटर मोबाइल ये सब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा टीवी देखना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। घंटों देखते रहना हमारी सेहत के लिए क्या है, नुकसानदायक, भूलना नहीं, और नुकसानदायक माने हानिकारक। ज़्यादा टीवी देखने तथा कंप्यूटर मोबाइल पर खेलने के कारण ही अनेक बीमारियां हमें घेर लेती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम बीमार हो रहे हैं। तो हमें क्या क्या होता है ध्यान से सुनिए। ये बच्चा भी देखो कितना आराम से बस टीवी देखे चले जा रहे है ना, छोटा भीम देख रहा है। आगे देखते हैं। हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, इससे हमारी देखने की शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, हमें चश्मे भी लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं और हम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा लगता है कोई छोटे छोटे बच्चे एक को सिर्फ और सिर्फ टीवी देखने की वजह से आंखों में चश्मे लग जाए, नहीं ना। अब हमको कितना बड़े हो के हमको ऐसे टेस्ट भी देना पड़ता है, फौज में जाते हैं तो हमारा टेस्ट होता है कि इनकी आंखों की रोशनी सही है कि नहीं, है ना। तो फिर इसीलिए हमें टीवी देखना है, एक तो थोड़ी देर के लिए और बहुत दूर से। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध खाना पीना ज़रूरी है, शुद्ध यानी साफ सुथरा खाना पीना ज़रूरी है, अगर हमें अपनी सेहत को स्वस्थ रखना है तो हमें कैसा खाना पीना करना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए और साफ सुथरा ही खाना खाना चाहिए। उसी तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमको खेलना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ मेरे घर के सामने एक मैदान है, ये महिला देख रही है कि घर के सामने एक मैदान है, उसमें कुछ बच्चे रोज़ खेलने आते हैं, रोज़ खेलने आते हैं बच्चे, वे क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन या दौड़ लगाने का खेल खेलते हैं। रोज़ खेल खेलने से उनके अंदर उन बच्चों में क्या फ़र्क है, रोज़ खेल खेलने से, एक दिन नहीं हर रोज़ खेल खेलने से उनके अंदर उल्लास माने उमंग और जोश दिखाई देता है। और ये इतना सारा उल्लास और जोश कैसे आता है, ये खेल की ही देन है जो मनोरंजन के साथ साथ हमारी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। तो खेल हमारे को उल्लासित भी करते हैं, हमको उमंग से भी भरते हैं, जोश भी हमारे अंदर भरते हैं और हमारा मनोरंजन भी करते हैं, हमारे दिल को भी बहलाते हैं। आगे पढ़ते हैं, आपको खुद भी इस पाठ को एक बार जोर जोर से रीड करना है ऊंचे स्वर में। जो लोग देर तक टीवी देखते हैं वहीं दूसरी ओर जो लोग देर तक टीवी देखते हैं और खेल से दूर रहते हैं, खेल नहीं खेलते हैं, वे बच्चे कैसे होते हैं, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन जो खेल कूद और सैर करते की आदत डाल लेते हैं उनके चेहरे पर हमेशा नूर और प्रसन्नता
नज़र आती है, पता चल जाता है कि ये बच्चा इतना उदास उदास और चिड़चिड़ा क्यों रहता है, हर समय गुस्से में क्यों रहता है, एकदम उदास सुस्त क्यों रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा टीवी देखता है। और वो बच्चा जो हमेशा खेल कूद में रहता है वो प्रसन्न रहेगा, उसके चेहरे पे नूर होगा, चमक होगी, नूर माने चमक होगा होना। बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी यही बात कहते हैं, बड़े बड़े माने बहुत जाने माने डॉक्टर, जो बहुत फेमस हो, प्रतिष्ठित हो, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वैज्ञानिक यही बात कहते हैं कि जो लोग खेल, ऐसा नहीं कि आपकी मम्मी और पापा ये बात बोलते हैं या स्कूल में हम बस मैम ही ये बात बोलती हैं कि नहीं टीवी नहीं देखो, आप डॉक्टर्स भी और साइंटिस्ट भी यही बात कहते हैं कि जो लोग रोज़ खेलते व सैर करते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनका बॉडी एक्सरसाइज करती है, वे कम बीमार पड़ते हैं। जिस तरह पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह खेलना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी तभी हम कोई काम ठीक तरह से कर सकते हैं। तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते, ना हमारा मन खेलने का करता है, ना हम किसी की मदद करते हैं, ना हम पढ़ाई करते हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमको अपनी सेहत ठीक करनी है, और सेहत ठीक करने का एक राज क्या है, अच्छा खाना पीना और अच्छे अच्छा खेलना। कोई भी काम हो, शारीरिक हो या दिमागी, बच्चों दो तरह के काम होते हैं, एक होता है शारीरिक और एक होता है काम दिमागी। अब अगर हम कोई पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, है ना, कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कैसा काम है, दिमागी, इट इज़ अ मेंटल वर्क, हम दिमाग से काम कर रहे हैं। और अगर हम कोई खेल खेल रहे हैं, कोई घर में काम कर रहे हैं, तो ये कैसी क्रिया है, शारीरिक क्रिया। कोई भी काम शारीरिक हो या दिमागी, बिना अच्छी सेहत के हम ठीक से नहीं कर सकते। और जब हम बड़े होंगे तो हमको दोनों काम करने पड़ेंगे, दिमाग से भी काम करना पड़ेगा और शरीर से भी, है ना, हमको काम अच्छे से करने हैं सभी। तो इसीलिए हमारे लिए जीवन में खेलों का महत्व बताया गया है। ये क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं नीले डब्बे में, सोचिए और बताइए, जो बच्चे खेलते कूदते नहीं हैं वे स्वभाव से कैसे बन जाते हैं। जो खेलते कूदते नहीं हैं, हमेशा टीवी देखते रहते हैं, आप बताइए वो कैसे बन जाते हैं। बिल्कुल सही, वो कैसे बनते हैं, चिड़चिड़े, है ना, जो टीवी देखते रहते हैं, खेल से दूर। तो अगले पेज पे, पेज नंबर 30, आज सभी बच्चे अपने मन में तय करो कि जिस तरह हम रोज़ स्कूल जाते हैं, जैसे COVID-19 से पहले हम रोज़ स्कूल जाते थे, उसी तरह हम रोज़ मैदान में खेलने भी जाएंगे। जैसे हम हर रोज़ पढ़ते हैं, हर रोज़ खाते पीते हैं, उसी तरह से हमको हर रोज़ मैदान में खेलने जाना है। अभी क्योंकि COVID-19 की बीमारी चल रही है, इसके लिए हम घर की छत पर खेल सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दौड़ लगा करके आ सकते हैं, है ना। लेकिन हमें मोबाइल और टीवी हर समय नहीं देखना, ये तो हम तय कर सकते हैं। खेल हमारी सेहत और मनोरंजन दोनों का ख्याल रखते हैं, तो खेल हमको स्वस्थ भी रखते हैं और हमारे मनोरंजन का ख्याल भी रखते हैं। तो हमें भी खेल को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए, हमें मोबाइल को जीवन साथी नहीं बनाना, हमको कंप्यूटर को जीवन साथी नहीं बनाना, हमको अपने खेल कूद को जीवन साथी बनाना है। अच्छी सेहत के लिए खेल कूद भी ज़रूरी है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। एक बात और, बच्चों खेल दो तरह के होते हैं, एक जो हम घर में खेल सकते हैं और दूसरे जो हम बाहर खेलते हैं, जैसे लूडो, कैरम, कोई भी क्रॉसवर्ड, पहेली, है ना, ये सब हम कहाँ पे खेल सकते हैं, घर के अंदर। लेकिन कुछ खेल ऐसे, योगा जैसे, कुछ खेल ऐसे होते हैं जो हम बाहर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी,
फुटबॉल। तो हमको, अगर हम घर में हैं, सुरक्षित हैं, तो हम घर में रहने वाले खेल खेलें, और अगर सब कुछ बाहर सुरक्षित है, स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, तो हम बाहर जाके खेलें। तो अब हमने इस पाठ को पूरा किया, अब हम फटाफट से इसके देखते हैं शब्दार्थ। सेहत, स्वास्थ्य, शुद्ध, साफ सुथरा, वैज्ञानिक यानी विज्ञान से जुड़ा, साइंस से जुड़ा, शारीरिक शरीर से संबंधित, नुकसानदायक कोई भी चीज़ हमारे लिए जब नुकसानदायक हो, हानिकारक, उल्लास, उमंग, तरोताज़ा, हरा भरा। खेल खेलने से हमारा दिमाग कैसा रहता है, हमारा शरीर तरोताज़ा। स्कूल, विद्यालय, पाठशाला, मनोरंजन, दिल बहलाव। डॉक्टर, इलाज करने वाला यानी चिकित्सक। प्रसन्नता, खुशी, फुर्ती, चुस्ती। तो आपको ये सभी शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं। फिर आए हैं वाचन संबंधी श्रुत लेखन। वाचन यानी बोलना और श्रुत लेखन यानी लिखना। तो हमको ये सभी शब्द, कितने शब्द हैं, 6 शब्द हैं, इनको हमको बोलना भी सीखना है और लिखना भी। शारीरिक, नुकसानदायक, उल्लास, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मनोरंजन, मनोरंजन। तो आज हम साथ के साथ प्रश्न उत्तर को भी हल करेंगे। तो तब तक अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न उत्तर को। पहले प्रश्न है मौखिक प्रश्न, यानी आपको अभी बताना है। सोचिए और बताइए, खेल का आनंद अनोखा क्यों है? तो खेल का आनंद अनोखा क्यों है? कोई भी खेल मनोरंजन के साथ साथ मन को तरोताज़ा एवं शरीर में फुर्ती और उल्लास भर देता है, इसीलिए खेल का आनंद अनोखा है। तो आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है, चेक करिए, खेल का आनंद अनोखा क्यों है? क्योंकि खेल हमारे शरीर को तरोताज़ा, फुर्ती और उल्लास से भर देते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, आपको कौन सा खेल खेलने में पसंद है? आपको जो भी आपके मनपसंद खेल हो, आप उसका नाम बताइए। आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है? तो आप इसमें अपनी पसंद का उत्तर दीजिए। जैसे मुझको फुटबॉल और बैडमिंटन खेलना पसंद है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा टीवी देखने वाले और खेल कूद करने वाले बच्चों में के बीच क्या अंतर होता है? तो जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं उनमें, और जो बच्चे खेल कूद करते हैं उनमें क्या अंतर होता है, आपको बताना है। देखिए, जो ज़्यादा टीवी देखते हैं और खेल से दूर रहते हैं, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आपकी किताब में भी ये दिया हुआ था, है ना, कि जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं, और जो बच्चे खेल कूद और सैर की आदत डालते हैं, उनके चेहरे पर नूर और प्रसन्नता दिखाई देती है। तो ये हमने पढ़ा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। जैसे खेल खेलने से हमारी सेहत डैश रहती है, पाठ के आधार पर ही आपको खाली जगह भरनी है। तो खेल खेलने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। ज़्यादा टीवी देखने से हमारे लिए नुकसानदायक है। ग, जो लोग रोज़ खेलते व सैर करते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। खेल किसका ख्याल रखते हैं? खेल हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। ज़्यादा टीवी देखने से
क्या कमजोर हो जाती है। ज्यादा टीवी देखने से हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं। शाबाश, हमें किसको अपना जीवन साथी बनाना चाहिए? हमें खेल को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। अब देखिए, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। खेल खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं, आपको खेल खेलने के लाभ बताने हैं। तो आपको लिखना है, खेल खेलने के अनेक लाभ हैं, जैसे हम स्वस्थ रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं लगती है ना। दूसरा, हम प्रसन्न और तरोताज़ा व फुर्तीला महसूस करते हैं। तीसरा, खेल खेलने से हमारे मित्र भी बनते हैं और हम खुश होकर मिलजुल के खेलना सीखते हैं। जो बच्चे टीवी देखते रहते हैं वो बहुत ही चिड़चिड़े होते हैं, और जो बच्चे खेल खेलते हैं वो मिलजुल के खेलना सीखते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक क्या कहते हैं? बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक क्या कहते हैं? तो बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक खेल खेलने को कहते हैं। वे खेल खेलने को कहते हैं और सैर करने को कहते हैं। तो बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक खेल खेलने व सैर करने को कहते हैं। ऐसे लिखना, क्योंकि खेल खेलने से हम कम बीमार पड़ते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। सैर करना व खेल खेलना दोनों सेहत के लिए अच्छा है। आपको इसको इस प्रकार से लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी भी काम को हम ठीक तरह से कब कर सकते हैं? आखिरी प्रश्न है ये, जब हमारी सेहत अच्छी होगी तभी हम किसी भी काम को, चाहे वह शारीरिक काम हो या दिमागी, अच्छा कर सकेंगे। तो जब हमारी सेहत अच्छी होगी तब हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकेंगे। आपको इन प्रश्नों को कॉपी में करना है। अब आपको सोच समझ के इसका उत्तर देना है। आज हम सिर्फ 31 नंबर पेज तक इसको हल करेंगे। घर में रहकर भी खेला जा सकता है, फिर बाहर खेलने की क्यों कहा गया जाता है, बताइए। खेल तो घर में भी खेल सकते हैं। क्या दोगे इसका जवाब, सोचो बच्चों। घर में भी खेल खेल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया ही था, लूडो, कैरम बोर्ड, है ना, ताश, या फिर हम कोई भी पजल, पहेली, कुछ भी घर पे खेल सकते हैं। फिर हम बाहर खेलने को क्यों कहते हैं? क्योंकि कि बाहर खुली हवा में, ताज़ी हवा में, आकाश के नीचे, खुले स्थान पर खेलने से हमारी सेहत और अच्छी रहेगी, हम भाग सकेंगे, दौड़ सकेंगे। अब कल्पना कीजिए, मान लीजिए आप रोज शाम को मैदान में खेलने जाते हैं, लेकिन एक दो दिन खेलने ना जा पाए तो आपको कैसा लगेगा? अरे ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया है ना, हमारी दुखती रग पे इन्होंने हाथ रख दिया। हमारी जो समस्या है इस समय कि हम एक दो दिन नहीं, बहुत लंबे समय से खेलने को नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें कैसा लगेगा? ये आप मुझे खुद हल करके भेजिए स्कूल के ग्रुप में लिख करके, और अपना हाल बताइए, ठीक है। फिर हम इसको अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही काम है। आपको ये दोनों बुक में ही हल करने हैं, प्रश्न नंबर 1 और 2, जबकि आपको ये मौखिक वाले भी लिखित में भी करने हैं, और ये वाले प्रश्न भी आपको कॉपी में करने हैं। शब्दार्थ भी लिखने हैं और वाचन और श्रुतलेख भी। तो चलिए पाठ को अब ख़त्म करते हैं आज के लिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब खेलिए, योगा करिए। धन्यवाद।